गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद फिर से व्लॉग बनाने शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बीच में टाइम नहीं लग रहा था। अभी सुबह के 7:30 बजे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। रैमसी अभी सो रही है और रैमसी के पापा खेलने गए हैं, तो उसके बाद अब मैं बनाऊँगी। फ्रेश वगैरह होके, मुँह वगैरह धो के ब्रश करके मैंने बनाना है ब्रेकफास्ट। एक्चुअली सुबह सुबह ना हमारे दूध वाले जो भैया हैं वो जल्दी आ जाते हैं 7:30 बजे, तो उसकी वजह से हमारी नींद खुल जाती है, तो फिर मैं उड़ जाती हूँ, फिर मैं सोती नहीं दोबारा। मैं सोचती हूँ क्या सोना, गर्मी तो वैसे ही है, तो गर्मी के टाइम में वैसे जल्दी उठ जाओ तो ठीक रहता है, तो उठ के काम वाम हो जाता है सारा कुछ, तो इसलिए मैं उठ गई हूँ। अब देखते हैं रैमसी कब उठेगी। अब उसको सोने देना, क्योंकि उसकी स्कूल की छुट्टियाँ वो शुरू हो चुकी हैं, तो थोड़े दिन वो रेस्ट करेगी अच्छे से। तो अब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी बस। इधर मैंने बना लिए सेमियाँ ब्रेड के साथ चाय। ये लो जी, रैमसी का ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। दूध और पराठा, दाल। इसको दाल बहुत अच्छी लगती है, दाल इसकी फेवरेट है। तो गुड मॉर्निंग, कैसे? गुड मॉर्निंग, कैसे? रैमसी उठ गया, ब्रश कर लिया रैमसी ने, फ्रेश हो गई है। और अब रैमसी क्या करेगी? दाल खाऊंगी रोटी के साथ। पराठे के साथ? पराठे के साथ। ठीक है, जल्दी से खा के फिर रैमसी क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग। यस, रैमसी स्ट्रॉन्ग बनेगी। गाइस, अभी जो ये आप देख रहे हो वीडियो, इसमें घोड़ा हमारे घर के बाहर खड़ा है ना। इतनी गर्मी है, 12 बजे, और इतनी कितने टाइम से ये बेचारा इसको धूप में खड़ा किया हुआ है, इतना टाइम हो गया है बेचारा। मुझे इतना तरस आ रहा, अब जाके इसको लेने आए हैं। क्या यार, एनिमल्स की तुम इतनी बेकदरी करते हो, इनके सहारे तुम पैसे कमाते हो ना, एटलीस्ट इनको छाया में तो खड़ा कर ही सकते हो आप। 1-1.5 घंटे से ये यहाँ पर धूप में कंटिन्यूसली ऐसे ही खड़ा है, तो मतलब पता नहीं लोगों के मन में दया है ही नहीं है कि हाँ ये भी, इनके अंदर भी जान है, इनको भी गर्मी लगती होगी कि ये कैसे रह रहे हैं बेचारे, है ना। तो मुझे तो बहुत फील हुआ अभी ये जाने लगे हैं 1 घंटे बाद पूरे। तो गाइस, 12 बज चुके हैं और हमने नाई नाई कर लिया रैमसी ने, है ना, और मैंने भी सारा काम खत्म कर लिया है और नहा धो के अब फ्रेश हो चुके हैं। बिल्कुल गर्मी इतनी हो चुकी है कि बस कोई हिसाब नहीं है। और रैमसी ने भी नहा लिया है ना रैमसी। मैंने लिप ग्लॉस लगाया तो बोली मम्मा मैंने भी लिप ग्लॉस लगाना है ना। मम्मा जैसे चीटिंग करते हो आप, चीटर चीटर हो, यू आर अ चीटर। ओके, तो अब मैं बनाऊंगी रैमसी के लिए 2 अफ्जा, है ना, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में ऐसी चीजें पीनी चाहिए, शरबत वगैरह, ठंडी चीजें। तो अब मैं बनाऊंगी रूह अफ्जा। रूह अफ्जा पीने के बाद, हाँ जी, हाय गाइस, मैंने ना रूह अफ्जा पीना है, फिर मैं रूह अफ्जा करके स्ट्रॉन्ग होऊंगी। क्योंकि दूध वाला बनाते हैं ना, तो मैं दूध वाला, इससे ये है कि बच्चा पी भी लेता है, दूध ना पीने के तो बस वो बहाने होते हैं बच्चों के। तो अब मैं उसमें दूध में डाल के इसको दे दूंगी, तो फिर ये पी लेती है आराम से, तो मैं भी पीऊंगी। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद फिर। इधर बन गया है मेरा आलू का पराठा और मैंने शरबत भी तैयार कर ली है। तो एक्चुअली मैं सुबह नहीं खाती हूँ आजकल ना, मैं चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का ले लेती, जैसे ब्रेड वगैरह या कुछ भी। तो वो लेने के बाद फिर मैं सीधा दोपहर में ही लंच करती हूँ, क्योंकि भूख ही नहीं लगती आजकल गर्मी की वजह से, वैसे पानी ज़्यादा पी हो जाता है, तो इसलिए मैं अब खा रही हूँ। 2 बज चुके हैं तो मैं लंच थे, रैमसी खाएगी दही के साथ और मैं पराठा खाऊंगी चटनी के साथ। तो मैं दही के साथ खाऊंगी पराठा। आप दही के साथ खाओगे? ठीक है, खाओ फिर, रज के खाना है, ठीक है। ओके, क्या हुआ, क्या खा रहे थे? ये आपके ऊपर गिरा था अभी ना, उठो खड़े हो। 6 बज गए हैं और हमने बहुत सोया, रैमसी तो बहुत सोई, मैं तो उठ गई थी जल्दी। और रैमसी अब पी रही है चाय, बोली मम्मा चाय दो मेरे को।
नमकीन खा रही है, मैंने भी चाय पी ली है और अब हम करेंगे शाम की डिनर की तैयारी। तो रैमसी के पापा भी आ जाएंगे शाम को है ना, और फिर देखते हैं क्या क्या बनाना है। रोज वही, कभी कुछ बनाओ, कुछ समझ ही नहीं आता क्या बनाना है यार गर्मी में, है ना रैमसी? क्या खाना है आपने? मैंने परोठा। परोठा तो दोपहर खाया था। नहीं, आलू का परोठा नहीं, जो चिपचिप होता है वो खाना। क्या चिपचिप होता है? परोठा चिपचिप होता है या? हाँ। लाची होता है। लाची हो जाता। फिर क्या खाना? कुछ नहीं, मैं चाय तो पी रही हूँ, नमकीन तो खा रही हूँ। नहीं, रात को क्या खाना है डिनर में? सब्जी ही क्या बनाए? दूध पिला दूंगा, चॉकलेट वाला। वो तो है। बताओ। दाल तुम्हारी मटर वाली। और क्या खाना है? कुछ नहीं। बोलो मम्मा, मैं दिमाग तो खाता हूँ सारा दिन। सारा दिन दाग को खाता हूँ। किसका दिमाग खाता है? गाइस, 9 बजे हैं और हम बाहर आए हैं खाना खाने। हमने सोचा कि आज बाहर खाना खा लें क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हमें बाहर घूमे, इसलिए हम आए हैं। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, कल मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ।